छत्रपति सम्मान 2017 के तहत दिया जाने वाला प्रशस्ति पत्र यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। साहित्यिक सामाजिक सरोकारों को समर्पित संस्था संवाद शीर्षक प्रशस्ति पत्र, ये भाग उर्मिले जी के लिए है। सत्ता के गौरवगान में वाचालता और संवेदनशील मुद्दों पर नियोजित चुप्पी के इस दौर में, जबकि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा राज सिंहासन के सम्मुख नतमस्तक है, कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो बेलगाम जुनून के खेल का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। उन्मादी व्यवस्था का विरोध तथा उत्पीड़ित जनता के दर्द को वाणी देने में ही जिनकी सार्थकता निहित है, ऐसी ही एक आवाज है लेखक पत्रकार उर्मिलेश। वंचित उपेक्षित जनता के हित, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे आधारभूत मुद्दे हमेशा आपके विमर्श में शामिल रहे हैं। आपके यात्रा वृत्त भारत की सामाजिक संस्कृति की खरी और सच्ची पहचान है। सत्ता का चारण बनने से इनकार करती, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्घोष करती तथा आम जन की अस्मिता की लड़ाई लड़ती इस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए संवाद सिरसा आपको छत्रपति सम्मान से अलंकृत करते हुए गौरवान्वित अनुभव करता है। दूसरा भाग रामचंद्र छत्रपति जी के बारे में है। रामचंद्र छत्रपति 19 मार्च 1950 से 21/11/2002। पत्रकारिता के उच्चतम आदर्शों को समर्पित सांध्य दैनिक पूरा सच के संस्थापक संपादक रामचंद्र छत्रपति शब्दों की शोषण के दुर्ग को हिला देने की सामर्थ्य से परिचित थे। वे मानते थे कि समाज विरोधी षड्यंत्रों में शामिल मठों, गढ़ों, संस्थानों और व्यक्तियों के असली चेहरों को समाज के सामने लाना ही पत्रकारिता का धर्म है। पत्रकारिता के इसी धर्म को निभाते हुए वे शहीद हुए। उनकी शहादत को सदा सम्मान के साथ याद किया जाता रहेगा। दिनांक 19 नवंबर 2017, स्थान पंचायत भवन सिरसा। ये मेरा यकीन है और भारत के मीडिया की सबसे बड़ी यही समस्या है जिस तरफ मैं आपको ले आना चाहता था। मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा और फिर अपनी बात खत्म करूंगा। अयोध्या का कवरेज अगर देखें, जब अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ, भारतीय मीडिया ने किस तरह कवर किया, माफ कीजिएगा, एक मस्जिद, मैं उसी इलाके का रहने वाला हूं, एक मस्जिद, थोड़ी देर भूल जाइए कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्या हैं, आप मनुष्य हैं, सिर्फ ये याद रखिए, वहां एक मस्जिद पड़ी थी। कुछ ही दिन के अंदर भारत के मीडिया ने उसको मस्जिद कहना बंद कर दिया, उसको विवादित ढांचा कहना शुरू कर दिया, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। जिस संपादक ने, जिस पत्रकार ने, जिस अखबार ने यह शब्द यूज किया होगा, मैं समझता हूं वो जहर से भरा हुआ दिमाग इसका रहा होगा। आप सडन विवादित ढांचा कहने लगते हैं, क्या इस देश में किसी मंदिर को लेकर अगर विवाद होता, क्या किसी की हिम्मत होती कि वो विवादित ढांचा मंदिर को लिखता? लेकिन चूंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी का मामला था, इसलिए आपने विवादित ढांचा लिखना शुरू किया। आपने बताना शुरू किया कि राम यहीं पैदा हुए थे, जैसे आप बता रहे हैं कि पद्मावती के साथ ऐसा ही हुआ था। कमाल, मलिक मोहम्मद जैसी हमारे इलाके में पैदा हुए थे 16वीं शताब्दी में,
पद्मावत नाम की किताब लिखी, बीए में मैंने वो किताब पढ़ी थी, पद्मावत के जायस जायसी और उनके पद्मावत को हिंदी साहित्य में भी बाद के दिनों में बहुत महत्व नहीं दिया जाने लगा, बहुत कोई बहुत याद नहीं करता था, लेकिन आज पद्मावत को इसी बारे में याद किया जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत पोएटिक ग्रंथ है। लेकिन पद्मावती जो महाकाव्य, पद्मावत जो महाकाव्य है उसमें पद्मावत, पद्मावती या पद्मिनी का जो कैरेक्टर है वो काल्पनिक कैरेक्टर है और ये जायसी साफ करते हैं। 16वीं शताब्दी का 13वीं 14वीं शताब्दी के बीच जो कुछ होता है उस वक्त पद्मिनी और पद्मावती का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है, एक भी ऐतिहासिक ग्रंथ में जिक्र नहीं है। और दिलचस्प बात, मध्यकाल के जितने भारतीय इतिहासकार हैं किसी ने अपने ग्रंथ में मध्यकाल में नहीं लिखा, बाई चांस मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, किसी ने नहीं लिखा है कि पद्मावती या पद्मिनी कोई रानी थी जो रतन सिंह की 15वीं 18वीं या 5वीं बीवी थी, किसी ने नहीं लिखा है। लेकिन आपने मान लिया, चलिए बंसाली साहब को भी मजा है, आपको भी मजा है, गुजरात को भी मजा है। भाई मजा यह है कि बंसाली साहब की फिल्म में पैसा लगा है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति का, ये मालूम है ना आप लोगों को? बंसाली की फिल्म के फाइनेंसर कौन है? वही जो भारत के सबसे और दुनिया के महान, अपने को भारत की ओर से शो करते हैं कि हमारे देश में कॉर्पोरेट कितना आगे बढ़ा है। सब लोग समझ रहे हैं। तो हालत यह है, हालत यह है कि जो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है, जो एक ही पार्टी एक ही नेता को केवल मदद करता है, वो इस फिल्म का फाइनेंसर है लगभग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दो कंपनियां उसमें लगी हुई हैं।